धामपुर पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से धामपुर से गायब हुए 11 साल के बच्चे को बरामद करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज एसपी बिजनौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया कि कल 11 साल के बच्चे शशांक का उस वक्त अपहरण कर लिया गया था जब वो स्कूल से वापस घर आ रहा था। अपहरणकर्ता की तलाश के लिए एसपी ने 3 टीमों का गठन किया, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और छानबीन के आधार पर शशांक को बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अर्जुन तोमर निवासी मेरठ है। मौके से इसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। अर्जुन ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने 2021 में बीसीए की पढ़ाई की थी। उसके साथ गौरव चौहान निवासी गांव मीमला धामपुर भी पढ़ा करता था। गौरव ने उसे बताया कि उसने अपनी जमीन गिरवी रखकर पढ़ाई के लिए कर्ज लिया है। उसकी जमीन गांव के ही रहने वाले आशुतोष चौहान के पास गिरवी रखी है। उसके पापा ने आशुतोष से 17 लाख रुपये का कर्ज ले रखा है। उसी कर्ज को चुकाने के लिए अर्जुन ने सूर्य प्रताप उर्फ सूरज निराला तथा दिनेश कुमार निवासी धामपुर, गौरव चौहान धामपुर, बल्ली सिंह निवासी कानपुर आदि ने मिलकर गौरव के मौसेरे भाई शशांक की किडनैपिंग की योजना बनाई। देखिए 19 जुलाई 2023 को आफ्टरनून में थाना धामपुर क्षेत्र में मीमला गांव में एक सूचना आई थी कि एक लगभग 11 वर्ष के बच्चे का जो स्कूल से लौट रहा था वो घर नहीं पहुंचा और एक ग्रे कलर की वाहन में जो है उसका अपहरण हुआ है। इस पर तत्काल जो है फोर्स को एक्टिव करके हम लोगों ने मौके पर जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त की और फैमिली मेम्बर्स से इस संबंध में जानकारी की। इवेंचुअली जो है इसमें देर रात या अर्ली मॉर्निंग कहने उस बच्चे की जो है सकुशल बरामदगी हुई है और इसमें जो मुख्य कारण सामने आया है बच्चे का ही चचेरा भाई है गौरव, उसने जो है पैसों के लालच में जो है ये पूरी योजना बनाई थी अपने 3 मित्रों के साथ, जिसमें कि अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है और उसकी कस्टडी से बच्चे को बरामद किया गया है। इसमें गौरव, उसका मित्र बल्ली और एक मित्र निराला, ये तीनों जो है फिलहाल वांछित हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और इसमें पुलिस टीम को जो है यथाशीघ्र जो है इसमें बच्चे की बरामदगी करने के लिए घटना का त्वरित खुलासा करने के लिए जो है 25,000 का रिवॉर्ड घोषित किया है। जो पूछताछ में फिलहाल इन्होंने बताया है कि देवर प्लानिंग की इसमें जो है वो अराउंड 10 लाख की डिमांड करेंगे और जो अर्जुन था लड़का उसे कंप्यूटर की थोड़ी जानकारी थी तो उससे इन्होंने हेल्प ली थी अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में, और उसे इन्होंने 1 लाख रुपये ऑफर किया था। देखिए इसमें सोशल मीडिया की कुछ हमें लीड मिली थी तो हमने साइबर एक्सपर्ट से हेल्प ली थी और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके नोडल ऑफिसर्स से बात की थी तो हमें उसमें जो है काफ़ी सहयोग मिला और इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल पाई जिसकी वजह से हम घटना को जल्द से जल्द वर्कआउट कर पाए। इसमें गौरव जो है वो रिश्तेदार है, शेष 3 अभियुक्त जो है उसके मित्र हैं।